गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात कर रहे थे कि यहाँ पर मेंडल ने जो एक संकरण क्रॉस करवाया था, संकर संकरण कराया था, मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस कराया था वो एक जोड़ी विपर्यासी गुण को लेकर के कराया था, और दूसरा जो डाईहाइब्रिड कराया था वो दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर के यहाँ पर क्रॉस कराया था। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के निष्कर्ष। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के निष्कर्ष, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के क्या निष्कर्ष थे? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो प्लांट्स का लंबेपन का और बौनेपन का जो गुण था पादपों में, हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में दो एक गुण को लेकर के चले थे, तो वो गुण कौन सा था? एक पादप के अंदर तो था लंबेपन का गुण और दूसरे के अंदर था बौनेपन का गुण। तो यहां इन प्लांट्स के अंदर जो लंबेपन का और बौनेपन का जो गुण होता है, ये गुण एक जोड़ी विपरीत कारकों के द्वारा नियंत्रित होता है। दोनों के जो गुण हैं वो एक जोड़ी विपरीत कारकों के द्वारा कंट्रोल होते हैं। यहाँ पर एक जोड़ी जो विपरीत कारक हैं, इनके द्वारा ये कंट्रोल होते हैं। और जो ये विपरीत कारक हैं, क्योंकि मेंडल ने कि कारक किसे बोला था? जीन्स को। जो वर्तमान में जिनको हम जीन्स बोलते हैं, उन जीन्स को मेंडल ने क्या बोला था? कारक। अगर हम सिंगुलर रहे तो यहाँ पर क्या आएगा? जीन। और जीन का मतलब क्या होता है? कारक। तो यहाँ पर जो जीन्स होते हैं, ये जीन्स के द्वारा यहाँ पर लंबेपन का और बौनेपन का जो गुण है, वो गुण क्या होते हैं? कंट्रोल होते हैं। अब यहाँ पर जो जीन्स हैं, ये जीन्स दोनों ही लंबेपन का और बौनेपन का दोनों ही अलग अलग यूनिट पर उपस्थित होते हैं, अलग अलग यूनिट पर उपस्थित होते हैं। यूनिट में इकाई, अलग अलग इकाई पर उपस्थित होते हैं। सेकेंड, पहला तो निष्कर्ष क्या निकला कि जो लंबेपन का और बौनेपन का जो गुण है, ये गुण विपरीत कारकों के द्वारा कंट्रोल होता है। विपरीत कारकों के द्वारा कंट्रोल होता है, वो कारक क्या कहलाते हैं? जीन कहलाते हैं। और सभी कारकों को क्या बोलेंगे हम? जीन्स कहते हैं। तो वो जीन्स कहलाते हैं। ये जीन्स जो होते हैं वो अलग अलग यूनिट पर उपस्थित होते हैं। और कहाँ उपस्थित होते हैं? ये जर्म प्लाज्म में। जो जर्म प्लाज्म है, इस जर्म प्लाज्म में उपस्थित होते हैं। यहां जर्म प्लाज्म के अंदर उपस्थित होते हैं। सेकंड, यहां पर जो दोनों कारक हैं, लंबेपन के लिए और बौनेपन के लिए, यहां जो दोनों कारक हैं, ये दोनों कारक अलग अलग युग्मकों में पाए जाते हैं। अलग अलग युग्मकों में पाए जाते हैं, युग्मकों में उपस्थित होते हैं। क्योंकि यहां हम एक को मदर का लेंगे और दूसरे को फादर का लेंगे, यही किया था ना, एक को मदर का लिया था और दूसरे को फादर का लिया था। तो ये अलग अलग युग्मकों में होते हैं, लेकिन जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये दोनों कैसे होते हैं? साथ उपस्थित होते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद में ये दोनों ही कारक साथ आ जाते हैं। जो कारक स्वयं को प्रदर्शित करते हैं, जो स्वयं को प्रदर्शित कर रहे हैं, वो तो कहलाते हैं प्रभावी। और जो प्रदर्शित नहीं हो पाते, जो प्रदर्शित नहीं, वो क्या होते हैं? अप्रभावी। तो
तो यहाँ जो जर्म प्लाज्म में जो यहाँ पर कारक उपस्थित थे वो युग अलग अलग युग्मकों में उपस्थित थे, जो हमने जब पेरेंट्स को लिया था तो एक मदर के अंदर से दूसरा फादर के अंदर से आ रहा था, निषेचन के बाद में दोनों यहाँ पर क्या थे, साथ आ गए। जो यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है अपनी अभिव्यक्ति को दिखा रहा है वो तो प्रभावी था, और जो नहीं दिखा पा रहा है वो कैसा था, यहाँ पर अप्रभावी थे। यहाँ तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्या नोट किया गया कि यहाँ पर जो दोनों साथ हैं, जो दोनों कारक साथ साथ हैं, कारक दोनों ही कैसे हैं, कारक साथ साथ उपस्थित हैं, लेकिन एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। देखो हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में भी और डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी सेल्फ पॉलिनेशन कराया था। जब इसका हम सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे इसी के साथ में, तो हमने बताया था कि दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, और वो दो प्रकार के युग्मक कौन कौन से थे, एक तो था कैपिटल टी और दूसरी था स्मॉल टी। तो जब ये एक दूसरे को प्रभावित करते तो यहां पर यही युग्मक नहीं बनते। तो जो भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने देखा कि जब ये कारक साथ साथ प्रेजेंट हैं लेकिन एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि जब युग्मकों का निर्माण हो रहा है तो एक दूसरे के लक्षणों को प्रभावित किए बिना ही ये युग्मकों का निर्माण कर रहे हैं। और ये युग्मक कैसे हैं, यहां शुद्ध, क्योंकि अगर ये लक्षणों को प्रभावित करते तो यहां पर ये युग्मक जो प्रेजेंट है वो कैसे होते, अशुद्ध होते, शुद्ध नहीं होते। तो इनके अंदर जो गुण प्रेजेंट है वो कैसे हैं, शुद्ध। तो यहां एक दूसरे के साथ होते हुए भी ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा यहां पर एक जो उन्होंने लास्ट जो बात कही थी कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अगर ये युग्मक वापस से एक दूसरे के साथ में, क्योंकि यहां निषेचन होगा, वापस एक दूसरे के साथ आएंगे, तो यहां पर जिस भी प्रकार के बनेंगे, जैसे भी प्रकार के बनेंगे, वो कैसे होंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आप लोगों को पता है कि किस प्रकार के बनते हैं, या तो हेटरोजाइगस अवस्था में और अप्रभावी होते हैं होमोजाइगस अवस्था में। तो यहां पर शुद्ध अवस्था हमको नहीं मिलती है, तो इस प्रकार की अवस्था प्राप्त होगी, लेकिन जब कभी ये वापस से युग्मक बनाएंगे तो वो भी कैसे होंगे। तो इनके आधार पर इन्होंने एक नियम दिया था, प्रभाविता का नियम। प्रभावी जो है वो अपना ही प्रभाव दिखाएगा कहीं भी पहुंच जाए, और अप्रभावी अगर होमोजाइगस अवस्था में है वो, तो ही अपना प्रभाव दिखाएगा। क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर इन्होंने दो नियम दिए थे, तो पहला यहां पर प्रभाविता का नियम दिया था, जो प्रभावी है वो सामने आएगा, अपना प्रभाव दिखाएगा, और दूसरा जो उन्होंने दिया था वो दिया था विसंयोजन का नियम, विसंयोजन या पृथक्करण का नियम, विसंयोजन का या पृथक्करण का नियम। जब गैमेट एक दूसरे से, गैमेट निर्माण होता है और गैमेट निर्माण के बाद में एक दूसरे से पृथक होते हैं, तो ये अपने अपने शुद्ध गुणों के साथ में पृथक होते हैं। तो इस आधार पर इन्होंने दो नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम और यहां पर विसंयोजन या पृथक्करण का नियम। और इससे पहले लेक्चर में मैंने आपने जब डाई हाइब्रिड क्रॉस को बताया था उस वक्त बताया था कि तीसरा जो नियम दिया था स्वतंत्र अपव्यूहन का, वो इन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर दिया था।
तो यहाँ पर जो मेंडल के नियम हैं, क्योंकि ये मेंडल ने जो नियम दिए थे इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मेंडल के नियम के, या फिर कहें कि मेंडल के वंशानुगति के नियम, मेंडल के वंशानुगति के नियम। और ये वंशानुगति के नियम कितने हैं, तीन। सबसे पहले देखते हैं प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता के नियम में अभी आपको बताया कि प्रभाविता के नियम में क्या होता है, इस नियम के अनुसार जब एक या एक से अधिक विपर्यासी लक्षणों वाले, एक या एक से अधिक विपर्यासी लक्षणों वाले जीन्स उपस्थित होते हैं, एक या एक से अधिक विपर्यासी लक्षणों वाले अगर जीन्स उपस्थित होते हैं, तो यहां पर जो ये जीन्स उपस्थित हैं और इनके मध्य में जब हम क्रॉस करवाएंगे, विपर्यासी लक्षणों वाले जीन्स उपस्थित हैं एवं जब इनके मध्य क्रॉस कराते हैं, जब इनके मध्य क्रॉस करवाते हैं, तो केवल प्रभावी ही प्रदर्शित होते हैं, प्रभावी ही प्रदर्शित होते हैं। अगर इस कंडीशन में है तो पादप हमको लंबा ही दिखेगा। हमें कैसे पता है कि पादप बौना है, क्योंकि आंखों से तो हम केवल किसको देखेंगे, उसकी लंबाई को, उसके फीनोटाइप को, जीनोटाइप को नहीं देखेंगे। तो यहां पर केवल प्रभावी ही प्रदर्शित होते हैं, प्रभावी लक्षण ही सामने आएंगे, अप्रभावी लक्षण यहां पर सामने नहीं आते हैं। और यही नियम क्या कहलाता है, प्रभाविता का नियम। इसका महत्व तो देखते हैं। देखिए, जितनी भी यहां एक्स क्रोमोसोम से संबंधित बीमारियां होती हैं, एक्स क्रोमोसोम से, यहां जो एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड जो डिजीज होती हैं, जैसे यहां पर आता है हीमोफीलिया, फॉर एग्जांपल हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, क्या बोलते हैं, वर्णांधता, ये दोनों ऐसी बीमारियां हैं जिनके जीन कहां उपस्थित होते हैं, एक्स गुणसूत्र पर। फीमेल के अंदर दो एक्स गुणसूत्र उपस्थित होते हैं और मेल के अंदर एक एक्स गुणसूत्र उपस्थित होता है। तो यहां वाहक का जो काम करती है वो कौन करती है, फीमेल। वाहक कौन होती है, फीमेल। पढ़ा है आप लोगों ने, जब डिजीज को पढ़ते हैं हम लोग, तो यहां पर स्टूडेंट्स अगर ये लेडीज के अंदर है, फीमेल के अंदर है, तो यहां अगर ये हिटरोजाइगस कंडीशन में है तो यहां पर प्रभावी कौन है, एक्स। ये नहीं जो बाहक है ये प्रभावी है, तो यही अपना प्रभाव दिखाएगा यहां, ये दूसरा वाला अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। और ये अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा तो यहां जो संकर, यहां पर जो संकर व्यक्ति है, या फिर कहें कि यहां पर जो बाहक व्यक्ति है, संकर व्यक्ति है या बाहक व्यक्ति है, उसमें रोग प्रकट नहीं होगा, रोग प्रकट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये मेल के अंदर आएगा, जैसे ही मेल के अंदर आएगा,
तो स्टूडेंट्स मेल के अंदर केवल एक ही एक्स उपस्थित है और ये एक्स जैसे यहां पर संक्रमित होगा तो यहां पर लक्षण प्रकट होंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर जो प्रभावी एक्स गुणसूत्र है वो सिंगल है और उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, वर्णांधता या हीमोफीलिया किसी की भी, यहां पर जीन्स प्रेजेंट है तो वहां अपना प्रभाव दिखाएगा। यहां ये प्रभावी अवस्था में है और यहां ये अप्रभावी अवस्था में है, तो जो संकर व्यक्ति है वो संकर व्यक्ति के अंदर इनके लक्षण प्रकट नहीं होंगे, केवल किसके अंदर होंगे, जहां ये अकेला प्रेजेंट है। तो प्रभाविता के नियम के अकॉर्डिंग संकरों में केवल प्रभावी लक्षण ही सो होते हैं, अप्रभावी लक्षण सो नहीं होते। सेकंड, पृथक्करण का नियम, क्योंकि सेकंड नियम को पृथक्करण का नियम भी कहते हैं, विसंयोजन का नियम भी कहते हैं और युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। सेकंड, पृथक्करण, विसंयोजन युग्मकों की शुद्धता का नियम, इनको कई नामों से जाना जाता है सेकंड नियम को। तो इस नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो स्टूडेंट्स यहां पर इस नियम के अकॉर्डिंग जो विषम युग्मजी अवस्था में प्रभावी या अप्रभावी सदस्य, डेफिनेशन की अगर हम बात करें, विषम युग्मजी अवस्था में प्रभावी व अप्रभावी सदस्यों के लक्षण मिक्स नहीं होते, लक्षण मिश्रित नहीं होते, क्योंकि जब गैमेट बनेंगे, जब युग्मकों का निर्माण होगा, युग्मकों का निर्माण होगा तो युग्मक शुद्ध लक्षणों के साथ उपस्थित होंगे, युग्मक शुद्ध लक्षणों के साथ उपस्थित होते हैं। हेटरोजाइगस अवस्था में चाहे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करें, चाहे हम यहां पर डायहाइब्रिड क्रॉस की बात करें, तो दोनों ही अवस्थाओं में यहां पर केवल लंबेपन का गुण आएगा और यहां पर आर से क्या लिया था हमने, गोल, और बाई को क्या लिया था, सॉरी पीला, येलो। तो यहां पर हेटरोजाइगस अवस्था में केवल यहां लंबेपन का गुण है और यहां गोल और पीले का गुण है। जब इनके युग्मक बनेंगे, जब इनके युग्मक बनते हैं, तो स्टूडेंट्स यहां युग्मक कौन कौन से बनेंगे, टी और टी। यहां युग्मक कौन कौन से बनेंगे, ये गोल को सो करेगा तो ये किसको करेगा, झुर्रीदार को, ये झुर्रीदार को सो करेगा, ये गोल को सो करेगा, ये येलो को सो करेगा और ये ग्रीन को सो करेगा।
ऐसे ये लंबे को शो करेगा और ये बोने को शो करेगा। तो जब युग्मकों का निर्माण होगा, क्योंकि यहां युग्मक कैसे बनते हैं, इस प्रकार से, तो यहां जब युग्मकों का निर्माण होता है तो इन युग्मकों में इनके जो लक्षणों की, क्योंकि विषम युग्मजी अवस्था में जो यहां पर प्रभावी और अप्रभावी दोनों ही प्रेजेंट थे, यहां युग्मक निर्माण के समय ये सभी अपने अपने लक्षणों के साथ में क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाएंगे। किसी का भी लक्षण यहां पर एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होगा, यहां किसी के भी लक्षण मिश्रित नहीं हो रहे हैं। इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, जब इनका पृथककरण हो रहा है या इनका विसंयोजन हो रहा है, युग्मक निर्माण के समय पृथककरण हो रहा है या इसको विसंयोजन भी कह सकते हैं, तो उस वक्त युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है, युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है। अपने अपने गुणों के साथ में युग्मक क्या रहते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, पृथककरण का नियम, विसंयोजन का नियम, या फिर युग्मकों की शुद्धता का नियम। यहां पर अगर किसी के अंदर लाभदायक गुण है, लाभदायक गुण है या हानिकारक गुण है, जो यहां पर प्रभावी है वही सो होगा, कहां हेटरोजाइगस अवस्था में। अगर ये प्रभावी है तो ये सो होगा और ये प्रभावी है तो ये सो होगा, दोनों यहां पर सो नहीं होंगे। लेकिन जब युग्मकों का निर्माण होगा तो यहां पर दोनों ही कारक अपना अपना अपने अपने प्रभावों के साथ में अलग अलग हो जाएंगे। यहां एक दूसरे को बिना प्रभावित किए हुए यहां पर ये प्रेजेंट है और यहां एक दूसरे को बिना प्रभावित किए हुए क्या हो जाएंगे, ये सेपरेट हो जाएंगे। तो यहां ये भी कह सकते हैं हम कि जितने युग्मक जब हमने मदर और फादर का यहां पर क्रॉस करवाया था उस वक्त शुद्ध थे, उतने ही युग्मक यहां शुद्ध हैं। चाहे हम F1 पीढ़ी में देख लें, चाहे हम F2 पीढ़ी में देख लें, वहां भी युग्मकों में भी उतनी ही शुद्धता पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में थर्ड।